पटना वासियों को 60,000 70,000 90,000 में एक सिलेंडर, और आपको आश्चर्य होगा जो मुंह पर मास्क है वो 6,000 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टेक्सा जोसन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का इन दवाई 5वीं चीज, हम महुआ गए थे, हम बीता गए थे, कहीं भी नर्स नहीं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं। हमारे सामने एक अस्पताल में 3 इंतकाल 3 मिनट, एक ही अस्पताल महुआ हाजीपुर का मॉडल अस्पताल, ऑक्सीजन नहीं लगाने के चलते पत्नी चिल्लाती रही मेरे सामने में, 3 मर गए। हर परिस्थितियों में कि आपने क्या गाइडलाइंस दिया, और ये ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन, और जब सरकार के गाइडलाइंस को, बिहार की सरकार गाइडलाइन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि रेमडेसिविर दवाई जो कंपनी के मालिक और जो डॉक्टर जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपने साबित कर दिया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने में सरकार की भूमिका है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है, सरकार डॉक्टर को पैसा कमा करके, मुझे लगता है कि जिन दवाई कंपनी, डॉक्टर और बिचौलिया ने जितना अत्यधिक चंदा दिया इन सरकार के पार्टियों को, उतना ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात, ये इस बात को समझिए। सरकार अपने ही बातों में अंतर्द्वंद में हो, और कंपनी के फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। सरकार ने रेमडेसिविर दवाई की एडवर्टाइजमेंट की कीमत लिया है दवाई कंपनी के मालिकों से, और यहां पर जो उसका बेचने वाला है, क्या नाम है, न्यू सोमनाथ गोविंद मित्रा रोड, कैपिटल एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, प्रदीप एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, परिजात इंटरप्राइजेज गोविंद मित्रा रोड, ओको मेड IGMS के सामने, ये सब लखपति हजारपति हो गए हजार, और सब ने मिल करके ये सब एक तरफ से, और इन लोगों ने पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों के लोगों ने पैसा दिए, ADS ADM को पैसा दिए। मैं जांच की मांग करता हूं, और भी कोई एजेंसी है तो मैं उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि इन लोगों के द्वारा ड्रग्स ADS DS के द्वारा पूरा बाजार में आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया, और ये लोग ब्लैकियर हैं, इनकी पूरी पैसा सरकार को जाती है। इन लोगों पर बैंड लगना चाहिए, और इन लोगों के द्वारा रेमडेसिविर नहीं बिकना चाहिए, मैं बैंड की मांग करता हूं।
दो, तीसरे कि पटना को 3,000 किनको क्या दिए आप, 800 कहीं 20 कहीं 30 कहीं 50 कहीं 100 कहीं 200 कहीं 10 कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6, यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो 36 × 18 तीन आदमी, यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9,000 10,000 12,000 13,000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4,500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है प्रत्येक दिन 4,000। अब सिविल सर्जन ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब IGMS में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है तो 800 आप वहां क्यों दिए, NMCH को क्यों दिए, IGMS को क्यों दिए, PMCH को क्यों दिए? और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है, और वहाँ के पेशेंट ब्लैक 30,000 35,000 40,000 कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। तो ये रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।